नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज का वीडियो जो है एयर लेयरिंग फेन होने के कारण क्या क्या होते हैं इस बारे में है। तो सबसे पहले तो जो हम चाकू लेते हैं उसमें जंग वगैरह वगैरह ना हो, तो इसके लिए हमें उसे हाइड्रोजन प्रोक्साइड से साफ़ करना होता। अगर वो नहीं है तो मेरे पास सैनिटाइजर था तो उसी से मैंने इसको साफ़ कर लिया है, जिससे कि इसमें जंग ना रहे। और ये पहला कारण होता है जो कि एयर लेयरिंग फेल हो जाती है, जो जंग होता है तो उससे। और इसके बाद जो है दूसरा कारण होता है जो हम पेड़ पर जो कट लगाते हैं, तो ये गुड़हल का पेड़ है, दो कट लगाने हैं हमें, और दो कट इस तरह से लगाने हैं कि ये ज़्यादा गहरे भी ना जाए और सिर्फ छाल निकले। अगर अंदर चला जाएगा तो ये सूख जाएगी, लकड़ी भी न कटे और छाल भी निकल जाए। तो इसमें दो कट लगाएंगे, एक इधर और एक 2 इंच की दूरी पे दूसरा। फिर इसकी छाल को निकालना होता है, ये दूसरा कारण है। इसकी छाल निकालनी है केवल इस तरह से, दोनों तरफ से इसकी छाल निकालनी है और निकालना इस तरह से कि चाकू हाथ में ना लगे, क्योंकि हाथ में भी लग जाता है। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक इसे कट करना होता है। ये दूसरा कारण है जो जिससे कि एयर लेयरिंग सूख जाती है। और एयर लेयरिंग में जब ये कट लगाया है तो इसकी जो छाल निकलने के बाद जो इसमें वो होता है चिकना पदार्थ होता है, तो इसको निकालना होता है। अगर आप इसको नहीं निकालेंगे तो ये छाल फिर वापस से फिर जुड़ जाती है, तो आपकी एयर लेयरिंग फेल हो जाएगी। इस तरह से खुरचना है, इसे ज़्यादा नहीं खुरचना, बस थोड़ा थोड़ा खुरचना है, कुछ इस तरह से इसको खुरचना है। ये खुरच लिया है। और इसी में तीसरा कारण होता है कि इसकी जो लकड़ी है जो वो नहीं कटनी चाहिए, जो ये सफ़ेद वाली है इसके अंदर चाकू नहीं जाना चाहिए। और तीसरा कारण ये भी है कि इसमें सूख जाएगी नहीं तो, ये हमारी एयर लेयरिंग फेल हो जाएगी इस तरह से। तो और चौथा कारण होता है तो इसमें जो एयर टाइट का जो एक कट लगाया है इसमें जो है मिट्टी ज़्यादा गीली भी ना हो और ज़्यादा सूखी भी ना हो। वैसे तो रेनी सीजन में हो ही जाता है, हल्की हल्की गीली मिट्टी है तो फेल नहीं होती। इस तरह से इसको दबाना है। अगर इसको आप दोनों तरफ से या कहीं से भी गैप छोड़ देंगे तो ये तो भी ये सूख जाएगी। इस तरह से एयर टाइट करना है, दोनों सिरे बिल्कुल टाइट रखने हैं, दोनों तरफ से बांधना है इस तरह से। और इसको एक रस्सी की मदद से बांधना है, इसको इसी तरह से कस के बांधना है, नहीं तो ये सूख जाएगी। एक सिरा इधर से रस्सी से बांध देंगे एकदम कस के, और यहीं से घुमा के इस रस्सी को दूसरे सिरे पर ले जाएंगे तो वहाँ भी कस के बांध देंगे, और बीच में भी पूरा कस के रखना है, नहीं तो ये कटिंग फेल हो जाएगी हमारी। ये भी कारण होता है इसका फेल होने का इस तरह से। इसके बाद जो है तो पांचवा कारण होता है इसकी रूट का, जो जब इसमें रूट जो है सफ़ेद होती हैं तो तब इसको कट नहीं करना है, और ध्यान ये रखना है तो भी ये सूख जाएगी। तो जहाँ भी आप इसको लगाएंगे तो वो रूट नहीं चल पाएंगे। तो जिसमें जो ब्राउन कलर की अगर रूट जब हो जाती हैं तब इसको नीचे से कट करना है, इसके निचले हिस्से से यहाँ से कट करना है, इस तरफ से कट करके फिर निकाल लेना। जब इसमें पूरी जड़ आ जाए तो ही निकालना है। यही कारण होते हैं एयर लेयरिंग फेल होने के। तो यही था आज की जानकारी, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।